टेस्ट लिखा दिए थे आपको कि ये एक तो सीनियर सिटीजन टेस्ट हो गया अपना और एक बैरो उसको लिखा दिया था फिर भी ठीक है, और एक मोटर फिटनेस टेस्ट हो गया था। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बता रहा था ना, जो टेस्ट है वो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए हार्वर्ड स्टेप सर। टेस्ट, नोट कर लीजिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। यस ठीक है, मेजरमेंट का कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, नोट कर लो इसको, मेजरमेंट द कार्डियो वस्कुलर फिटनेस। देखिए ये टेस्ट जब से आपके सिलेबस में इंक्लूड हुआ है उसके बाद शायद ही शायद 1 ईयर 1 साल के एग्जाम में ये नहीं आया, नहीं तो हर साल ये टेस्ट आता है, मोस्टली आता है, एक या दो बार नहीं आया होगा, नहीं तो हर साल ये क्वेश्चन पेपर के अंदर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आता है। और इस टेस्ट को सबसे इजी टेस्ट है, 3 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, और मैं आपको इस तरह से इसको यहां पे लर्न कराऊंगा कि आपको इस तरह लर्न, ठीक है, मैं आपको इस तरह से यहां पे एक्सप्लेन करके आपको बिल्कुल कोशिश मेरी ट्राई रहेगी कि आप सबको लर्न कर यहीं पे लर्न हो जाए। इसको लिखाया है अपन ने कार्डियो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, मेजरमेंट द कार्डियो वस्कुलर फिटनेस, मेजरमेंट द कार्डियो वस्कुलर फिटनेस। ठीक है, अब इसके अंदर पहले तो आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए, द मीनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, द मीनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ये नोट कर लीजिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, द मीनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। यस लिखिए ये कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एग्जाम में भी आ जाता है। अब तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने लग गए, हो सकता है 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन भी पुट अप हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोट करिए, द एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू, द एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन, रिच ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन, रिच ब्लड टू द वर्किंग मसल टिश्यूज, टू द वर्किंग मसल टिश्यूज एंड द एबिलिटी ऑफ द मसल्स, एंड द एबिलिटी ऑफ द मसल्स सर रिपीट ऑक्सीजन बात कर कहां से बेटा? सर एक बार शुरू से कर दो। स्टार्टिंग से सप्लाई ऑक्सीजन की बात ऑक्सीजन से टू सप्लाई ऑक्सीजन शुरू से कर रहा हूं, द एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द वर्किंग मसल टिश्यूज, रिच ब्लड वर्किंग एंड द एबिलिटी ऑफ द मसल्स, एंड द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू यूज ऑक्सीजन टू यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट, टू यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट। हो गया सर। लास्ट हाँ एक बार और रिपीट कर देता हूं, द एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड
टू द वर्किंग मसल्स टिश्यूज एंड द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट. दिस इज ए कार्डियोवास्कुलर फिटनेस डेफिनेशन. ठीक है, ओके सर. ठीक है, अब इस टेस्ट का अपन लिखना स्टार्ट करते हैं. हेडिंग डाल दीजिए, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लिख लिए. हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर पर्पस लिखिए मेजर टू कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. लिखिए मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में लिखिए. रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में रखिए ए वुडन बॉक्स. ए वुडन बॉक्स हाइट 20 इंच फॉर मैन. ए वुडन बॉक्स हाइट 20 इंच फॉर मैन एंड 16 इंच फॉर वुमेन. रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में लिखिए ए वुडन बॉक्स हाइट 20 इंच फॉर मैन एंड 16 इंच फॉर वुमेन. यस सर. और एक और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है स्टॉप वॉच. ठीक है. यस सर. यस सर. इसके देखिए इसके अंदर और बहुत सारी एक्टिविटी नहीं है, केवल यही एक्टिविटी में इसको एक बार आपको इस एक्टिविटी को इस टेस्ट का टोटल बेटा थोड़ा ना समझने की कोशिश करना. इसके बीच में करेक्शन मत करना, मेरे को यही लर्न होना चाहिए. ठीक है. अच्छा. आज ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बच्चे को लर्न हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट लिखिए इसके एक समझने की कोशिश करिए. इसमें प्रोसीजर है, प्रोसीजर ही मैं बता रहा हूँ. मेजरिंग टेप का कई बुकों के अंदर इसके अंदर मेजरिंग टेप दे रखा होता है, कई बुक के अंदर इक्विपमेंट में नहीं दे रखा होता. कोई दिक्कत नहीं, मेजरिंग टेप आपने सीधे हाइट ले ली 20 इंच, तो 20 इंच मेजर ही है वो. ठीक है. अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस टेस्ट का टोटल ड्यूरेशन होता है 5 मिनट. कितने मिनट होता है बच्चों? 5 मिनट. हाँ, 5 मिनट का ड्यूरेशन होता है. इसके अंदर जो पर्सन होता है वो वुडन बॉक्स प्लेटफॉर्म होता है, उसके सामने बिल्कुल ऐसे अपने स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा रहता है. जैसे हम उसको टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो वो उसके ऊपर 1 step up and 1 step down की एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता है. मतलब स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, स्टेप अप स्टेप डाउन. पहले 1 step up करा, फिर 2nd step up करा, फिर 1 step down करा, फिर 2nd step down करा. मतलब स्टेप अप एंड स्टेप डाउन की जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट करता है. पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद अपन इस पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है. उसके बाद ये प्रोसीजर 1 and 1.5 मिनट तक वो कंप्लीट करता है. 1 and 1.5 मिनट के बाद हम उसकी 30 सेकंड तक हार्ट बीट को काउंट करते हैं, देन अगेन टेस्ट स्टार्ट हो जाता है. फिर 2 and 2.5 मिनट तक वो ये एक्टिविटी करता है. फिर हम उसकी 30 सेकंड तक हार्ट रेट काउंट करते हैं और उसको नोट कर लेते हैं. फिर ये अगेन स्टार्ट होता है. फिर वापस ये 3 and 3.5 मिनट तक फिर ये टेस्ट चलता है. फिर हम उसकी 30 सेकंड तक हार्ट रेट को काउंट कर लेते हैं. तो इस तरह से अपन कितनी बार हार्ट रेट काउंट करते हैं बच्चे की? 5 times. कितनी बार करी मैंने हार्ट रेट काउंट? 3 times. देखिए 1 and 1.5 मिनट 30 सेकंड ब्रेक.
2 and 2.5 minutes 30 second break, 3 and 3.5 minutes 30 second break, हो गया सीधा का सीधा 5 मिनट का टेस्ट, 30 सेकंड का उसके अंदर अपने जो टाइम लेते हैं मेजरिंग टाइम वो भी उसके अंदर काउंट हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सिंपल प्रोसीजर ये भी होता है कि 30 स्टेप रेट ऑफ 30 स्टेप पर मिनट के हिसाब से भी बच्चे को परफॉर्म करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने चला बिल्कुल स्लो स्लो आप करने लगे, मतलब 30 स्टेप 1 मिनट के अंदर आपके इसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले इसको कई बार ऐसे वो कर देते, तो पहले अपन इसको काउंट करते 1 and 1.5 मिनट में अपन एवरेज मानते हैं कि 50 मिनट बच्चा इसको कर सकता है। तो अपन जैसे एक तो 1 and 1.5 मिनट करके भाई 1 and 1.5 मिनट परफॉर्म करते हैं स्टेप अप स्टेप एक्टिविटी, फिर उसके बाद फिर 30 सेकंड तक काउंट करते हैं, फिर 2 and 2.5 मिनट बाद फिर 30 सेकंड तक काउंट करते हैं, फिर 3 and 3.5 मिनट 30 सेकंड तक काउंट करते हैं, या तो इस तरह से लिख सकते हैं इस प्रोसीजर को। नहीं तो फिर अपन इसको क्या लिखते हैं कि जो टेस्ट होता है ये इस टेस्ट का ड्यूरेशन 5 मिनट होता है, 5 मिनट के अंदर जो भी कैंडिडेट होता है पार्टिसिपेंट होता है उसको 150 स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। आफ्टर फर्स्ट 50 स्टेप कंप्लीटेड हम उस पर्सन को स्टॉप करते हैं और 30 सेकंड तक उसके पल्स रेट को हम काउंट करते हैं, फिर अगेन टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर वो 30 सेकंड तक उसका टेस्ट चलता है, वो 50 स्टेप कंप्लीट करता है, फिर हम उसकी 30 सेकंड तक हार्ट रेट काउंट करते हैं, फिर हम टेस्ट स्टार्ट होता है 50 स्टेप वो बच्चा परफॉर्म करता है उसकी हम 30 सेकंड तक हार्ट रेट काउंट करते हैं। एक प्रोसीजर ये भी सिंपल, ठीक है। और फिर भी अगर आपको प्रोसीजर के अंदर कोई भाई कोई ऐसी दिक्कत है आपको आपको मैं फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इसके प्रोसीजर में कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे एक बार देख के बता दीजिए, एक बार थोड़ा आप इसको जो मैंने बताया उसको एक बार सोच के फिर मुझे बताइए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक और बता दो सर, हो गया लिखवा दीजिए प्लीज। यस सर हो गया, लिखवा दीजिए सर, हो गया सर। एक बार बता दीजिए इस वाले का प्रोसीजर, लिखवा दीजिए सर। हाँ सर लिखवा दीजिए सर, और बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है सर। सर एक बार और डिटेल में बता दीजिए सर। सर लिखवा दीजिए डायरेक्टली, मैंने लिखवा दीजिए सर, इंपॉर्टेंट है। सुनो बात तो सुनो बच्चों, मैंने दो तरीके बताए इसके। एक तो अपन ने बताया ड्यूरेशन, फर्स्ट तो अपन ने जब बताया तो फर्स्ट तो क्या होता है द एथलीट स्टेप अप एंड डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन द रेट ऑफ 30 स्टेप पर मिनट एवरी 2 सेकंड फॉर 5 मिनट और अंटिल गेट फटीग एग्जीक्यूशन इज डिफाइंड एज व्हेन द एथलीट कैन नॉट मेंटेन द स्टेपिंग रेट फॉर 15 सेकंड। एक तो होता है ये, इस तरह से बुक के अंदर अपने उसको दे रखा है। सुनना मेरी बात, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो सुनते जाओ, बुक में इस तरह से पूरे इसको डिफाइन कर रखा है। मैंने जो आपको सिंपल बताया, मैंने बताया कि पर्सन जो होता है उसको 5 मिनट का टेस्ट परफॉर्म करना होता है, वुडन बॉक्स वुडन प्लेटफॉर्म के सामने पर्सन खड़ा होता है, जब उसको टेस्ट स्टार्ट करते तो स्टेप अप एंड डाउन की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, 1 and 1.5 मिनट बाद हम उसको स्टॉप करते हैं और 30 सेकंड तक पर्सन की हार्ट बीट को काउंट करते हैं, देन उसको नोट कर लेते हैं, अगेन टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर 2 and 2.5 मिनट तक हम उसको कंटिन्यू पर्सन की एक्टिविटी करता है, हार्ट रेट काउंट करते हैं, फिर 3 and 3.5 मिनट तक काउंट करते हैं तो वो कंप्लीट करता है, फिर हम उसकी 30 सेकंड तक हार्ट रेट को काउंट करते हैं। इस तरह से एक टेस्ट तो ये होता है। एक ये होता है कि जो पर्सन होता है उसको 5 मिनट में 150 स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। कितने स्टेप परफॉर्म करने होते हैं? 150। जब वो फर्स्ट 50 स्टेप कंप्लीट करता है तो फर्स्ट 50 स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, उस पर्सन को स्टॉप करके उसकी हार्ट रेट को काउंट करते हैं, फिर उसके बाद अगेन नेक्स्ट 50 स्टेप कंप्लीट करता है, फिर हम उसकी हार्ट रेट काउंट करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट 50 स्टॉप जब काउंट करता है कंप्लीट करता है तो फिर हम उसकी 30 सेकंड तक हार्ट रेट को काउंट करते हैं। एक हो गया प्रोसीजर ये। अब इसके अंदर भी देखो क्लियर यही दे रखा है कि एट द रेट ऑफ 30 स्टेप पर मिनट, तो अपन ने 1 से 1 and 1.5 मिनट तक का करा, तो आपके मतलब ये मानिए आपकी 50 स्टेप आपको पर आपका जो ये रेपिटेशन है इसके अंदर आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब आपको क्लियर है कि नहीं है ये बताइए। सर इसमें एक फॉर्मूला बनता है ना बेटा? हाँ थ्योरी क्लियर है कि नहीं? यस सर थ्योरी क्लियर है सर। यस सर क्लियर है। अब इसके बाद सुनिए, जब ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फिर फॉर्मूला आप इसके अंदर लिखेंगे। मेरे को एक टेस्ट आपको रिजल्ट निकलवाना है, मेरे को फुल मार्क्स 3 क्वेश्चन है, 2
टोटल ये आपका फॉर्मूला रहेगा 100 इंटू टोटल टाइम इन सेकेंड अपॉन 2 इंटू टोटल हार्ट रेट। तो 100 इंटू क्या आएगा फिर यहां पे 100 इंटू कितना हो जाएगा 5 मिनट। अरे पूरा पढ़ो ना, टोटल टाइम इन सेकेंड 300 सेकेंड्स में 300 और इधर कितना हो जाएगा लिख के फिर इसको सॉल्व करके बताना मेरे को। सर किस चीज का फॉर्मूला है सर, इसका नेम क्या है फॉर्मूले का? ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का फॉर्मूला है कार्डियोस्कुलर फिटनेस निकालने का। सर ये एक बार ये वाला रिपीट कर दो, ये नीचे वाला 2 इंटू टोटल हार्ट रेट इन द रिकवरी 2 इंटू टोटल हार्ट रेट, ये जो आपने बताया ये वाला रिपीट कर दो एक बार। इसमें 70 80 और 90 कर दो ना यार। सर वो जो आपने एक तरीका बताया था, इसमें आपने दो तरीके बताए थे ना एक्टिविटी के, कोई सर इसमें लोगों ने आंसर ही निकाल दिए। एक्टिविटी का तरीका एक तो 1 एंड 2 एक 50 स्टेप पर हिसाब से कर दो, तो 5 मिनट में 150 स्टेप्स वाले कर सकते हैं। हाँ कोई इशू नहीं, फोकस उसके अंदर। जैसे अब आपका मान लो, मेरी बात सुनो, आपका रिजल्ट आया 62 पॉइंट या कुछ भी आ रहा है, उसके अंदर बुक के अंदर बस ये देख लेना 62 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, एवरेज है, बिलो एवरेज है या एक्सीलेंट है। जिसके अंदर भी आ रहा हो ना वो मेजर कर लिख देना बस कैटेगरी। ये तीनों कैटेगरी करने की जरूरत नहीं है, जो आपका आंसर आ रहा है वो कैटेगरी देख लेना कि भाई मेरी कैटेगरी ये आ रही है। एवरेज कैटेगरी है 62.5 एवरेज कैटेगरी में आता है। बस क्या आगे लिख दो, आंसर निकल गया। आपने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लिखा, सबसे पहले लिखा पर्पस, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट और प्रोसीजर। प्रोसीजर लिख के आपने फॉर्मूला लिखा, उसके अंदर अपनी हार्ट बीट का लिख लिया 100 इंटू टोटल टाइम, 100 इंटू 300 अपॉन 2 इंटू टोटल हार्ट रेट, फर्स्ट बाई 70 80 90 टोटल करके अपना उसको सॉल्व कर लीजिए। जो आंसर आएगा उसकी कैटेगरी देख लेना, कैटेगरी में जिस पे भी हो उसमें चेक कर लो, बुक के अंदर एवरेज है, बिलो एवरेज है या एक्सीलेंट है, और यहीं से दिमाग में फीड करके जाना। वहां आपको प्रैक्टिकल तो करना नहीं है सीबीएसई की, बोले आप क्वेश्चन मतलब मालूम पड़ा आपका एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी को प्रैक्टिकल करोगे फिर उसको नोट करोगे, ऐसा तो करना ही नहीं है। आपको तो कॉपी में लिखना है, पहले से आप अपना प्रिपेयर होकर जाइए कि भाई हाँ 70 80 90 कर दो भाई, ये हार्ट रेट आई है उस बच्चे की जिसका भी अपन लिया, इसका टोटल करके इसको सॉल्व कर दो, जो भी कैटेगरी के अंदर आ रहा है आंसर लिख दीजिए 62.5 एवरेज कैटेगरी, बस ठीक है हो गया आंसर पूरा। सर ये तीन वैल्यू रखेंगे इसमें अलग अलग है जी? सर तीन वैल्यू अलग अलग रखेंगे क्या? तीन में नहीं, तीन बार आपने पल्स रेट काउंट करी 70 80 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90, तीनों का टोटल करके सॉल्व होगा बेटे। अच्छा याद रखना है टेबल भी, टेबल को याद करने की क्यों जरूरत है, अपना आंसर ध्यान रख लो, आपको अपना आंसर लर्न रखना है। मेरा आंसर 62.5 आएगा वहां पे, मुझे पता है मैं टेबल याद ही देनी चाहिए अगर उसने पूछ लिया कि कौन सी कैटेगरी में आया तो।
सर अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि हमें फॉर्मूला लगा के हमें टोटल हार्ट रेट के अकॉर्डिंग हमें कैटेगरी डिसाइड करनी है, तो कैटेगरी तो हमें याद रहनी चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा। बेटा बहुत लंबा है, अगर ऐसे आप एक कैटेगरी लर्न करोगे ना, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता फिजिकल में। ओके सर, इस तरह का नहीं आया। 62.5 के बाद लिख देना कौन सी कैटेगरी है, प्रोसीजर लिखा दीजिए। 62.5 लिख के एवरेज लिख दो, आप ऐसे कैटेगरी कितने टेस्टों की लर्न करोगे, ऐसे तो आप मालूम पड़े फिजिकल का पेपर जीतने में तो मैथ्स ही हो जाती है आपकी। इसके बाद ये हार्वर्ड समझ में आ गया बच्चों? यस सर, इसी प्रोसीजर में। अब एक काम कर रहा हूं मैं आपको, थ्री मिनट का टाइम दिया मैंने आपको हर बच्चे को, मेरे को एक बार प्रोसीजर लिख के आप भेजिए मेरे नंबर पे। प्रोसीजर लिख के बताइए, थ्री मिनट का टाइम है ये। सर वो पूछना था सर, जैसे जो आपने बोला कि 30 मिनट का गैप देना है, तो हर जरूरी है कि 30 मिनट का गैप देंगे हम? 30 मिनट नहीं बेटे, 30 सेकंड्स, मतलब 30 सेकंड हर बार के बाद 30 सेकंड देना पड़ेगा, वो रिकवरी पीरियड बोलते हैं, उस रिकवरी पीरियड में तो आप काउंट करोगे उसको। तो सर 5 मिनट वाले में तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा? कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। से एक 150 स्टेप्स लेने हैं, तो हमें हर एक मिनट में 30 स्टेप्स देने होंगे उसको? बिल्कुल, है ना सर। तो पहले के पहले 30 सेकंड्स में उसको 30 स्टेप्स दे दो, फिर हम लोग 30 मिनट्स। एक सुनो, एक एवरेज है कि 50 स्टेप आपको एक मिनट में 30 स्टेप करने। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओके सर आगे। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये टेस्ट किस कैटेगरी में आएगा? सर टेस्ट कौन सी कैटेगरी में आएगा? जैसे हम लोग पढ़े थे ना सर, सीनियर सिटीजन टेस्ट, बैरो टेस्ट और फिर मोटर फिटनेस टेस्ट, तो ही सर? ये तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, जिसका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए होता है ये मेजरमेंट, ना कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, कार्डियो आप होता है ना, कार्डियो की वर्किंग, कार्डियो फिटनेस के हिसाब से टेस्ट होता है, तभी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम में आता ही आता है यार। जी सर। हेलो सर। हाँ भाई। सर अभी आपने जो नोट्स भेजे थे मैंने वो पढ़े, तो उसमें ये बताया है कि वो 5 मिनट तक लगातार स्टेप अप डाउन करेगा, उसके बाद फिनिश 5 मिनट के बाद जो रीडिंग्स ली जाएंगी। यस सर। आपको मैंने क्या कहा, जैसे मैंने आपको बताया 5 मिनट बाद रीडिंग नहीं ली जाती, 5 सर उसमें तो ऐसे ही लिख रहा है, मैंने पढ़ा था अभी वो आपके नोट्स पढ़े थे अभी। सुनो उसको वापस पढ़ना सर, अभी खुल रहे हैं मेरे को सेकंड 5 मिनट से लिखा रहा है। Yes, लिखा है कि पहले 5 मिनट तक अप एंड डाउन करना है, फिर रेस्ट करना है, फिर 1 मिनट बाद रीडिंग, फिर 2 मिनट बाद रीडिंग, फिर 3 मिनट बाद रीडिंग। आपको मैंने आपको बता दिया कि आप जो मैं रहा हूं ना 150 स्टेप परफॉर्म होते हैं, ठीक है, टोटल 50 स्टेप का 30 सेकंड अपन इसको काउंट करते हैं, फिर 50 के फिर 30 सेकंड काउंट करते हैं, इस तरह से होता है, जैसे आफ्टर 1 मिनट अप टू 30 सेकंड 1 1/2 मिनट, ठीक है, इस तरह से इसको काउंट करते हैं, 3 टाइम अपने को काउंट करना है, फिर भी अगर किसी को दिक्कत होगी तो मैं और आपको प्रोसीजर इसका भेज दूंगा। लिखा ही दो ना प्रोसीजर। यस सर, लिखा दीजिए प्लीज। यस सर। यस सर प्लीज। नहीं सर, एक बार आप तो लिखो यार। नहीं सर, ट्राई करें तो अगला दिन लिखवा देना सर, आप सर लिखवा दीजिए सर, सर इसका लिखवा ही दीजिए सर, कल लिखवा देना सर, टाइम हमारा सर, बहुत कंफ्यूजन है बच्चों, लिखा दीजिए। सुनो पीडीएफ में जो प्रोसीजर दिया ये भी सही है सर, यही लिख लें क्या? आपको बेटा मैंने कल भी लिखा है प्रोसीजर, तो सर मेरी बुक में वही लिखा है कि 5 मिनट तक लगातार करना है। सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोसीजर आपको दिक्कत आएगी तो मैं आपको कल वाली क्लास में फिर लिखा दूंगा, ठीक है, पर मेरे को क्या है कि एक बार ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये है कि एक बार बच्चा लिख के तो देखे यार कि हम कहां तक उसमें स्टैंड कर रहे हैं। सर हो गया, लिख लिया।
ठीक है ना, अगर आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो मैं कर दूंगा। इसका जो मैंने भी आपको प्रोसीजर बताया ना, जिसको उसका मैंने आपको प्रोसीजर मैंने आपको क्लियर कराया, वो प्रोसीजर भी इसका ही पार्ट है। कोई ऐसे इशू नहीं है उसके अंदर कि भैया आप उसमें 3 टाइम हमें पल्स रेट काउंट करने, तो 30 टाइम उसमें 3 टाइम उसको हम करेंगे। सर लिख लिया, सेंड कर दिया, सेंड कर रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल मैं चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे को बस ये था, एक एक बार एक एक बच्चे को मेरे को लिखाना था, ताकि अपने को क्या है इसका कॉन्फिडेंस रहे। 5 मार्क्स के अंदर आया तो बच्चे को लगना चाहिए कि मैं क्लास में बैठा हूँ तो मेरा 5 मार्क्स क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ है, ठीक है ना। सर जो मैंने प्रोसीजर लिखा है वो कुछ 8 लाइन में हो रहा है, तो सर 8 लाइन में मिल जाएंगे ना 5 नंबर? अरे आप केवल प्रोसीजर थोड़ी लिखोगे, आप पूरा लिखोगे, पर्पस भी लिखोगे, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट भी लिखोगे, प्रोसीजर भी लिखोगे, फॉर्मूला भी लिखोगे, तो वो तो जो है वही तो लिखोगे, इसके अंदर आप चेंज थोड़ी कर सकते हो। ओके सर, स्कोरिंग लिखा दो सर, स्कोरिंग। यस सर। स्कोरिंग कैसे लिखे भाई, फॉर्मूला ही तो है स्कोरिंग यार। स्कोरिंग या स्कोरिंग, सुनो स्कोरिंग के लिए टेबल के अंदर आपके जो भी आंसर आ रहा है ना, आंसर देख लो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, बस वही कैटेगरी याद रखो। आप अलग से मत करो कि मैं एक्सीलेंट भी लर्न करूं, गुड एवरेज भी कर लूं, बिलो एवरेज, एक कर लो जो आप जिस कैटेगरी के अंदर है एवरेज कैटेगरी। सर अगर 1.5 मिनट तक हम, अगर सर 1.5 मिनट तक हम परफॉर्म कर रहे हैं और 30 सेकंड का ब्रेक दे रहे हैं, तो वो 5 मिनट तो ऊपर जाएगा ना। आज तो एवरेज निकालते हैं उसको बेटा, जैसे आपने 50 स्टेप करे आपकी स्पीड ठीक है, एक एवरेज टाइम अपन ने निकाला है कि आपको भी कम से कम 30 सेकंड 30 स्टेप तो करने ही है। जब आप उसको करते हैं ना, ये एक टोटल ड्यूरेशन के अंदर ही परफॉर्म हो जाता है। सर जब 70 80 90 लेते हैं तो 62.5 आता है, तो सर वो एवरेज हो गया ना। एवरेज हो गया। और सर पीडीएफ में 62.5 एवरेज होता है फीमेल कैटेगरी में, ठीक है, और मेल के अंदर होता है 65 to 79 होती है एवरेज कैटेगरी। मैं आपको भी बता दूं, मेल और फीमेल के अंदर रहता है फिटनेस इंडेक्स का मैटर, तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। एक बार आप उसको बुक में अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं, जो भी कैटेगरी में है वो लिख दो। उसमें ये नहीं है कि आपने बिलो एवरेज लिख दिया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे सर, वो कुछ मेल फीमेल प्रोसीजर में तो सर यही लिखा है सर, क्या मतलब हमें लगातार वो कंडक्ट कराना एक्सरसाइज 3 मिनट, फिर उसके बाद मेजर करना। अरे सर ने बोल दिया यार, सुनो अगर प्रोसीजर में वैसे, सुनो कंफ्यूज मत हो, मैं अगर इसको मैं इतने साल से लिखा रहा हूँ, आपको लगता है प्रोसीजर में ये वाला प्रोसीजर आपको इजी है तो आप इस तरह से लिख देंगे, और अगर आपको उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको इसका जो बेसिक प्रोसीजर है उससे भी अपन इसको कर, जैसे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है अपन इसको काउंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर अपन इसको अपन जब काउंट कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इस प्रोसीजर में आपको बुक के अंदर ही लिखा है। मैंने कई चीजें आपको लिखाई, जैसे अपन जब एंड्योरेंस पढ़ा था तो मैंने उसमें भी लिखाया था कि भाई कई बुकों के अंदर अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी दे रखा है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, तो मैं इसी तरह से दोनों लिखाता हूँ। फिर भी अगर आपको आपके इसके अकॉर्डिंग ही लगता है कि 5 मिनट कंटिन्यू करके हम उसके बाद लेंगे, तो उसके बाद आप इसको आप ले भी सकते हो, वो आपका अलग वो है। बाकी अगर फिर भी आपको लगता है तो फिर मैं और प्रोसीजर में सेंड कर, ठीक है सर। एक बार कैटेगरी में सर हम क्या डालें, इसकी कैटेगरी बेटा सर लो एवरेज डालें वुमेन के लिए और हाई एवरेज डालें, मतलब इस तरह से अलग अलग करके लिखेंगे, एक ही लिख दें एवरेज डायरेक्टली? एक ही उसमें लिख देना वुमेन और इसके अंदर, तो इसके अंदर डिवाइड कर रखा ना मेल एंड फीमेल के अंदर, आप एक ऐसे उसमें देख लेना जो एवरेज में आ रही, तो एवरेज में बिलो एवरेज में बिलो एवरेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा सर। कोई भी वैल्यू निकाल दो जो परफेक्टली एक में आ रही होगी। देखो आपको एक बात बताऊं, इसका आपको कंप्लीट नीचे तक आप आंसर निकाल के वह कैटेगरी लिख दीजिए, उसके अंदर आपको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि भाई आप उसके अंदर बहुत बड़ा ये है कि उसके अंदर फिर आपको टेबल बनानी पड़ेगी। मैंने आपको क्या कहा, फिजिकल के अंदर जो आपका पेपर के अंदर सेटअप चलेगा उसके अंदर मेन तो पर्पस रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर है, बाद में अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो बस उसका जो रिजल्ट आया वो अपने को इसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो सर फाइनल कंक्लूजन यही हुआ ना कि ड्यूरेशन 5 मिनट लिख के 1.5 मिनट एंड 30 सेकंड ब्रेक, 1.5 मिनट एंड 30 सेकंड ब्रेक, 1.5 मिनट एंड 30 सेकंड ब्रेक लिख के आंसर कर दे बस। इस तरह से भी लिख लो, आपको अगर इसमें भी दिक्कत है
तो अगर इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको दूसरे वाले प्रोसीजर से बता दूंगा कि अगर आप डायरेक्ट भी 5 मिनट बाद भी कर लो या आप इस तरह से भी कर लो, ठीक है? ओके सर, इसके दो फॉर्मूला होते हैं क्या? शॉर्ट एंड शॉर्ट? नहीं नहीं, वो इसका नहीं है, वो जो आप बुक के अंदर पढ़ रहे हैं ना, वो इसका फॉर्मूला केवल यही है कि ये जो अपन ने निकाला है ना कि 100 इनटू टोटल ड्यूरेशन इन सेकंड अपॉन 2 इनटू टोटल हार्ट रेट, यही केवल इसका एक फॉर्मूला है। रॉकपोर्ट वन व्हील टेस्ट इसके बाद जो आता है उसके अंदर फिर दूसरा फॉर्मूला लगता है। इसके अंदर एक आपको टेस्ट है जो बुक में से रीड करना है, नोट कर लीजिए, रॉकपोर्ट वन माइल टेस्ट। सर एक बार प्रोसीजर तो लिखा दो, मतलब कंफर्म कर लेंगे सर। मेरी बात सुनो भाई, पीडीएफ में अच्छी तरह दे रखा है। अरे आप बिल्कुल ही परेशान मत हो, क्लासेस और बैच खत्म नहीं हुआ, आपको कल की तारीख का प्रोसीजर लिख जाएगा। आज आज का टाइम है, केवल आज आज आपको खुद को लिखना है बस, ठीक है? एक टेस्ट नोट कर लो, सर हार्वर्ड पूरा हो गया ना? हाँ। 18 से फिजिकल एजुकेशन की ऑफलाइन क्लास चलेगी? अब देखते हैं अभी क्या वो आता है सर्कुलर, अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है, ये नोट कर लो। ऑनलाइन ही चलने दो, अरे जैसे बोलोगे वैसे पढ़ाता रहूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। मेरी बात सुनो, ये दोनों जगह पढ़ा देना। हाँ सर, क्या लिखना? रॉकपोर्ट वन मील टेस्ट, रॉकपोर्ट वन माइल टेस्ट नोट कर लो। ये आपको ये भी मेजर था कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए ऑर्गेनाइज होता है, रॉकपोर्ट वन माइल टेस्ट, ये आपको बुक में से रीड करना है। इसका मेजर, इसका जो पर्पज है वो था VO2 मैक्स निकालना, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक बार आप बुक में से रीड कर लेना बस, ठीक है? क्योंकि इसके इसका इस क्वेश्चन के इतने चांसेस इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है, इसके अंदर जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा हार्ड है, मतलब बहुत ज्यादा थोड़ी टिपिकली होती है चीजें, तो इसलिए इसको एक बार बस रीड कर लेना। कोई इसको इतना ज्यादा वो नहीं है, बस सिंपल ये इसके अंदर अपने को मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के लिए अपने को इसके टेस्ट को अपन ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है? ये रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस से ही है, पर आपको जो मेन है वो आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। इसको आपको रीड करना है, अगर करना चाहो नोट्स के अंदर तो लिख लेना, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। ओके सर। अब इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट, अब अपन लिखते हैं चैप्टर नंबर 1, लैंडिंग इन स्पोर्ट्स।